देखो उस गंगा में गोता लगाने से पापों की निवृत्ति तो होती है। जो भागीरथी गंगा है वह हमारे पापों का प्रक्षालन करने वाली है, लेकिन दोबारा पाप नहीं होंगे ये नहीं कहा जा सकता। हम लोगों ने अभी तक जो पाप किए हैं, जाकर गंगा जी में गोता लगाया, सारे पाप धुल गए, लेकिन जैसे ही गंगा जी से बाहर निकले पर नए नए पाप करने लग गए। तो पाप की वृत्ति तो नहीं मिटी, लेकिन ये गंगा ऐसी है कि इसमें जो गोता लगाता है उसके पाप तो मिटते ही हैं, पाप करने की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है। यदि ठीक तरह से इसमें नहा लिया जाए तो पाप करने की वह प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। हमारे मानसकार गोस्वामी जी कहते हैं, का के हो पिक बकही मरा को तत्काल फल मिलता है। क्या फल मिलता है? बोले काक होए पिक, जो कौए है वह कोयल बन जाता है। कोयल और कौए में देखने में तो कोई भेद नहीं नजर आता, वो भी काला है वो भी काली, लेकिन कौआ जब बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं और कोयल बोलती है तो सबको मीठी लगती है, सबको प्यारी लगती है। उसी तरह यदि हमारी वाणी कर्कश है, कठोर है, कटु है, तो इस कथा गंगा में स्नान करने से हमारी वाणी मीठी और मधुर हो जाएगी, जैसे काग वसुंधरी जी की हो गई, मधुर वचन जब बोले उ कागा, वाणी मधुर हो जाएगी। काक होए पिक और बकही मराला, बकही माने बगुला और मराल माने होता है हंस। इस गंगा में गोता लगाने से बगुले हंस बन जाते हैं। बगुला और हंस देखने में एक जैसे हैं, लेकिन बगुला जो है उसके अंदर कपट है और हंस विवेक प्रधान है। बोले इस कथा के गंगा में जो गोता लगाएगा उसके साथ क्या होगा? बोले उसके अंदर विवेक उत्पन्न हो जाएगा। हंस की जो विशेषता है सिवरे जी, वो ये है, आप 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाकर रख दीजिए, हंस पानी अलग कर देगा, दूध दूध पी जाएगा। ये हंस की विशेषता कही जाती है। तो इस कथा गंगा में स्नान करने वाले को क्या मिलेगा? भले वह विवेक मिल जाएगा कि वो गुणों का ग्राही हो जाएगा, सत को ग्रहण कर ले, असत को त्याग दे। सत और असत का बोध होना विवेक कहलाता है, और सत असत का विवेक होगा, बोध होगा, तो बोले वो सत को ग्रहण कर लेगा, असत को त्याग कर देगा। तो यह विवेक कहां से प्राप्त होगा? कथा से। तो मानो हंस बना देगा हमें। और यह जिस संहिता का हम आश्रय लेकर बैठे हैं, इसमें हंस नहीं, इसमें तो परम हंस आते हैं। ये तो परम हंसों की संहिता है। यहां तो हंस तो केवल दूध और पानी को अलग करने वाला है, लेकिन ये तो परम हंसों की संहिता है। ये परम हंसों की संहिता तो भगवान को मिलाने वाली है, असत संसार से मुक्त करके सत परमात्मा के हाथों में हमें पहुंचाने वाली, उनके चरणों में पहुंचाने वाली है। उस गंगा जी में स्नान करने जाने के लिए हमें स्वास्थ्य अच्छा हो, समय पर्याप्त हो और संपत्ति हो। तो स्वास्थ्य, समय और संपत्ति लेकर जाना पड़ता है। गंगा जी जाएंगे तो ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, प्रयागराज जाइए तो गंगा जी मिलेंगे। लेकिन ये कथा गंगा सर्वत्र बहती है, वो तो भारत के कुछ प्रांतों में बहती है, पर भागवत की जो कथा गंगा है ये तो पूरे देश में सर्वत्र बहती है। और देश में ही नहीं, आज तो विदेशों की भूमि में भी बह रही है। अब इसी कथा को आप ले लें तो YouTube के माध्यम से, साधना ग्लोबल के माध्यम से सारे विश्व में प्रसारित हो रही है।
तो सब जगह ये गंगा बह रही है, लोग घरों में बैठ के आनंद ले रहे हैं, कोई कहीं इसमें गोता लगा रहा है। और अब इस कथा गंगा को हम लोगों ने प्राप्त किया है तो इसमें ऐसे गोता लगाएं कि सारे पाप तो धुले ही पर हमारे ऊपर एक रंग चढ़ जाए। कौन सा रंग चढ़ जाए? बोले ठाकुर जी का वह श्याम सुंदर का श्याम रंग हमारे ऊपर चढ़ जाए, हमारा मन हमारा चित्त भगवान का हो जाए। उस गंगा जी का प्रवाह बड़ी तेज होता है, आप ऋषिकेश में जाइए तो वहां जितना ऊपर जाएंगे गंगोत्री के ओर तो गंगा जी की धारा बड़ी तेज बहती है। और कहीं पैर फिसल गया तो गए। और ये गंगा ऐसी है उसमें डूबेंगे तो मृत्यु है, और इसमें आप जितना अधिक डूबते जाएंगे उतना ही जीवन सवरता चला जाएगा, जितना डूबते चले जाएंगे उतना ही जीवन बनता चला जाएगा, जितना गहरे डूबेंगे उतना ही आनंद है। वह गंगा भगवान के चरणों से निकली है और ये गंगा भगवान के मुख से निकली है। शिवरे जी वो जो भागीरथी गंगा है उनके प्राकट की कथा सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने चरण धोए तो भगवान का वह चरणामृत ही कमंडल में धारण कर लिया, वही गंगा जल के रूप में हुआ, तो भगवान के चरणों से निकली। और ये कथा गंगा भगवता प्रोक्ता भागवता श्री हरि के स्वयं भगवान नारायण के मुख से निकली है, तो वो भगवान के चरणों से और ये भगवान के मुख से निकली, तो कौन सी श्रेष्ठ है आप विचार कर सकते हैं। भोले बाबा ने उस गंगा को सिर पर धारण किया और इस गंगा को रची महेश निज मानस राखा। इसको अपने हृदय में धारण करते हैं और समय समय पर पार्वती जी को सुनाया करते हैं। पार्वती जी को अमर कथा भोले बाबा ने सुनाई, वो अमर कथा क्या थी? यही भागवत तो थी। भागवत के रूप में अमर कथा के रूप में भागवत ही भोले बाबा ने पार्वती जी को प्रदान की। तो कई लोग कहते हैं ना कि वो पार्वती जी की निद्रा लग गई तो वो आगे की कथा नहीं सुन पाए, ऐसा नहीं है। पार्वती जी हम जो ऐसी प्रमादी नहीं कि सो जाएं। पंकज जी पार्वती जी भाव में खो गई, रस में डूब गई और वो इतनी रस में डूब गई कि उनको फिर कथा सुनाई देना बंद हो गया, लीला का दर्शन होना आरंभ हो गया। डूब गई, उन्हें लगने लगा हम लीला में पहुंच गई और भोले बाबा क्या कह रहे हैं वह सुनाई देना बंद हो गया। तो उस कथा गंगा, उस जो है देव गंगा, देव नदी गंगा को भोले बाबा ने अपने मस्तक पर धारण किया और कथा रूपी गंगा को भोले बाबा ने अपने हृदय में धारण किया है। तो अब आप विचार करिए कौन सी गंगा श्रेष्ठ है।